सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आज रजबुल मुरजब की शब है और आफ्टर फ्यू डेज इंशाल्लाह ताला शाबानुल मुअज्जम की आमद होगी और ये मुबारक महीना, ये वो महीना है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। जब शाबान का महीना आता है तो पहले से ही, जैसे सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के अगर हम प्यारे और मुबारक दौर की बात करें, तो हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि माह शाबान का चांद नजर आते ही सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ये तिलावत कुरान की तरफ खूब मुतवज्जे होते। शाबान का समझे के इस्तकबाल है, इबादत का महीना है और फिर इसी में शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आते ही अपने अम्वाल की ज़कात निकालते ताकि गुरबा और मसाकीन मुसलमान माह रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयारी कर सकें। इसी तरह ताजिर बिजनेस कम्युनिटी जो थी वो अपने कर्ज़े अदा कर देते और अपने कर्ज़े वसूल कर लेते और यूँ मतलब कि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही ये अपने आप को फारिग कर लेते। तो ये हमारे सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का जज्बा था कि वो शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नज़र आते ही गोया के कह सकते कहें कि शाबानुल मुअज़्ज़म में रमज़ान मुबारक की आमद पर जो इस्तकबाल करना होता है, क्योंकि इबादत करनी है, इस्तकबाल क्या करना है, इबादत करनी है। कि रजबुल मुरज्जब के बारे में आता है कि रजबुल मुरज्जब ये बीज बोने का महीना है, इबादत का बीज बोया जाता है और शाबानुल मुअज़्ज़म ये आब यारी यानी कि पानी देने का महीना है और रमज़ान मुबारक ये फसल काटने का महीना है। तो ये जो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का जज्बा जो अभी हमने सुना, ये सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के इस जज्बे को महसूस करें तो आज हमारा जो मामला है वो कदर मुख्तलिफ है, बिल्कुल जैसे कि उल्टा अपोजिट के सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान अपने उन दिनों में रमज़ान मुबारक की इबादत की तैयारी करते कि माह रमज़ान का महीना आएगा तो हम मतलब कि उसकी इबादत करेंगे और उसमें इबादत करेंगे। और जब इसकी तैयारी यूँ की कि शाबान और मुअज़्ज़म में अपने आप को रिड्यूस किया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर अपने आप को रिड्यूस किया, मेंटली तौर पर अपने आप को जैसे प्रिपरेशन
की शाबान अल-मुअज़्ज़म में, ताकि हम जैसे रमज़ान मुबारक आए तो हम इतकाफ़ करें, एक तादाद इतकाफ़ कर लेती थी, ताकि हम अल्लाह की इबादत करके उसको राज़ी करके जन्नत की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन हमारा मामला ये कदरे मुख्तलिफ है। अव्वल तो ये कि यही नहीं पता हो मुसलमानों को, एक तादाद है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, यही नहीं पता होता कि रजब अल-मुरज्जब का ये महीना है और शाबान अगला महीना है। मे भी पॉसिबल कि इस वक्त जब मैंने कहा कि आइंदा ये आज 21 रजब है या 22 रजब है, सो मोस्टली इतने इस्लामी भैया होंगे जिनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि ये रजब अल-मुरज्जब का भी कोई महीना है, और इसके बारे में ये आता है कि रजब ये इबादत का बीज बोने का महीना है। हाँ, मदनी चैनल अगर आप देखते होंगे या दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों के साथ उठते बैठते होंगे, तो हो सकता है कि आपको वो थोड़ा बहुत बता देते हों। अदरवाइज मोस्टली हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सारा याद है, लेकिन हमें मुहर्रम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और ये सारे महीने जो रमज़ान है, रमज़ान के बाद शवाल मुकर्रम है, शवाल के बाद ज़िलहिज्जा है, फिर ज़ुलहिज्जा है, फिर मुहर्रम है, फिर सफ़र है, फिर रबीउल अव्वल है, फिर रबीउस सानी है, फिर जमादिउल अव्वल है, फिर जमादिउस सानी है। तो ये जो मतलब कि रजब, शाबान और रमज़ान, ये जो 12 महीने इस्लामी चलते हैं, तो आज हमारी बहुत बड़ी मेजोरिटी को ये पता ही नहीं है कि हमारी ये इस्लामी महीनों के नाम भी नहीं पता। तो हमारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ये शाबानुल मुअज़्ज़म में चांद नज़र आते ही अपने आप को रिड्यूस करते, अपने आप को समेटते, मेंटली तौर पर अपने आप को इबादत के लिए मज़ीद तैयार कर, वैसे ही इबादत करते थे सहाबाए किराम, मज़ीद तैयार करते और माह रमज़ान के इतकाफ़ के लिए एक तादाद की तैयारी किया करते। तो ये सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का ये जो अंदाज था, जज्बा था, इसको कई नाम दिए जा सकते हैं। एक नाम इसको दिया जा सकता है कि हमारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ये दुनिया से बेरग़बत रहते थे, इनको अपने आने के मकसद का इल्म था कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात सुनते थे और उन इरशादात को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजार देते सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सब कुछ रिवायतें आपके सामने बयान करता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत, मीन्स द वर्ल्ड इज अ प्रिजन ऑफ मुस्लिम एंड अ पैराडाइज ऑफ द डिसबिलीवर, कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, डिसबिलीवर्स के लिए जन्नत है। याद रखिए कि जो नॉन मुस्लिम, मुसलमान बिलीवर्स और मुसलमान के अलावा जो लोग हैं वो डिसबिलीवर हैं, मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं है, ईमान वाले सिर्फ मुसलमान हैं, ठीक है ना। तो नॉन मुस्लिम में से ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। तो दुनिया ये मोमिन के लिए कैद खाना है, ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को ये बात बिल्कुल समझा दी थी, बता दी थी कि ये अंदाज है ज़िंदगी का और ये इस तरह मदर है। जैसे एक और हदीस पाक है, लिव इन द वर्ल्ड लाइक अ ट्रेवलर एंड अ स्ट्रेंजर, यानी दुनिया में एक अजनबी और मुसाफिर बनकर रहो। तो दुनिया में जब अजनबी और मुसाफिर बनकर रहना, दुनिया में ट्रेवलर एज अ ट्रेवलर बनकर रहना, मुसाफिर बनकर रहना, अजनबी बनकर रहना, अननोन, हम दुनिया को जानते ही नहीं है, दुनिया हमको जानती ही नहीं है, इस तरह दुनिया में रहो, ये हमको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और यही चीज़ सहाबाए किराम अलैहि व रिदवान को डायरेक्ट सुनाई गई। हम तो आज सरकार की हदीस सुन रहे हैं ना, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशादात बराए रास्त अपने सहाबाए किराम अलैहि व रिदवान को अता फरमाए
और सहाबा कराम अली मुरिदवान ने बराए राज जब ये इरशादात सुने तो सहाबा कराम अली मुरिदवान ने अपनी ज़िंदगी को इन इरशादात के मुताबिक मोल्ड किया, चेंज किया। जब वो ईमान लाए तो उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ कुछ और था, मगर ईमान लाने के बाद जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुने तो उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ तब्दील हो गया। वो कुरान सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदाज़ को बदलते थे, वो हदीस सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदाज़ को बदलते थे। जब उनके सामने ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद आता था तो वो उस असल मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, ना कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा करते थे। बिकॉज मुसलमान ये बिलीवर्स कहलाते हैं, हम लोग बिलीवर्स हैं ना, और नॉन मुस्लिम डिसबिलीवर्स कहलाते हैं। हम मानने वाले हैं और वो मानने वाले नहीं हैं। हम किस चीज़ के मानने वाले हैं, हम क्या मानते हैं? अल्लाह तबारक व ताला एक है, ये मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, आखिरी नबी, हम ये मानते हैं। इसके अलावा कुरान पाक ने जिन जिन कामों को करने का कहा ये मानते हैं, जिन जिन कामों से मना किया ये मानते हैं, हदीसों में जिन जिन कामों को करने का आया ये मानते हैं, जिन जिन कामों से रुकने का कहा ये मानते हैं। हम बिलीवर्स हैं, मगर हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ेकार है, क्या वो एज इट इज बिलीवर्स जैसा है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन एंड दे अंडरस्टूड द टीचिंग्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी वेल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज देम टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली रिचेस, like the sayings of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam that dunya is paradise for the kafir and dunya is prison for the believer. And also there's another saying of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam that a believer should live like a traveler or stranger in this dunya, his destination is elsewhere. So that's a clear difference between the lifestyle of a believer and a non-believer. So alhamdulillah, we are believers, we read Quran, we believe in Quran, we believe in the orders of Almighty Allah Azza wa Jal and the orders of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. But the question is that do we make a distinction in the lifestyle between ourselves and between the lifestyle of non-believers? हमारी जो ज़िंदगी का अंदाज़ है उसमें क्या हमारा मकसद जिसको कहते हैं एम ऑफ लाइफ वो क्या है? चलें एक क्वेश्चन है, आप ज़रा खुद से पूछिए, एक थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप ईजी हो जाएं एंड नाउ फॉरगेट एवरीथिंग, ओके, एंड नाउ थिंक for a moment and think with the open mind and question yourself, what is the purpose of my life, what is the aim of my life? Ye zara puchhiye khud se, question yourself kya hamari zindagi ka maqsad kya hai, what's the purpose of our life? Ek second ke liye, 2 second zara puchhiye khud se, mujhe mat dekhiye, thoda sa sar jhuka kar puchhiye, don't look at me, ponder upon your heart and for a second or 2 seconds just question yourself, what is the purpose of my life? Have any answer? Koi jawab aaya? Koi jawab aaya aapko? Kya aaya? Nothing. Oh, earning. जॉकिंग, क्या जवाब क्या आया? कोई तो जवाब आया होगा ना, यानी हमारा जो जमीर है, जो बातिन है, वो बेहरा तो नहीं है ना? क्या कहेंगे आप, बेहरा है? सुन सकता है, नहीं सुन सकता? मुफ्ती साहब, इज द इनर सेल्फ द हार्ट deaf, not able to hear? If you ask this question, I'm sure that your inner self must have
heard the question. अगर वो सुन सकता है तो आप उसको कहिए ना कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो क्यों जी रहा है। अब उसके पास जबान है या नहीं है, मतलब आपके पास उसकी आवाज सुनने के लिए कान है या तो उसके पास कान नहीं है, वो नहीं सुन रहा, या वो जवाब दे रहा है मगर हमारे पास कान नहीं है कि हम उसकी आवाज सुन सके। कुछ तो है, कुछ तो मिसिंग है। Maybe your inner self don't have ears and cannot hear your question, or maybe it is answering and you don't have ears and you can't hear. तो क्या जवाब क्या आ रहा है, कोई जिंदगी का मकसद है या नहीं है? So what is the answer that we getting? Is there a purpose and a specific purpose of life? वो कहते हैं हम कुरान से पूछें, अच्छा बता कुरान हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। एक ऐसे ही कहता ना बयान में एक अंदाज होता है, चलो कुरान से पूछते हैं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो कुरान कहता है वमा खलक तो जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन, क्या जिन और इंसानों को पैदा किया गया इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत करें। एक खुलासा अर्ज करो, ठीक है ना, कि इंसान और जिनों को क्यों पैदा किया गया, ताकि वो अल्लाह की इबादत करें। तो अब हमारा मकसद कुरान बताता है इबादत, इबादत कहते हैं अल्लाह की रजा के लिए जो काम किया जाए उसको इबादत कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने रोज कितने काम अल्लाह की रजा वाले किए, एक नमाज ही नहीं है सिर्फ, इबादत एक बहुत बड़ा, इबादत बहुत बड़ा टॉपिक है, इबादत एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया वो इबादत है। Let's ask Quran Kareem, what is the purpose of our lives? Quran Majeed tells us, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says that I have not created jinns and humans but to worship. So we understood that the purpose of our life is to worship Almighty Allah Azza wa Jal. And what is worship? What is ibadah? Ibadat is actually to do something to please Allah subhanahu wa ta'ala. That is ibadah. So ibadat is not only the salat. The concept of ibadat is very wide. So whatever we do for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, that is ibadah. Hamara ab tak ka jo zindagi ka andaaz hai wo kitna ibadat wala hai? Kya humne subah ki to ibadat ke liye, dopahar ki ibadat ke liye, shaam ko ibadat ke liye, ko raat ko ibadat ke liye, kya andaaz hai? हम कारोबार करते हैं इबादत के लिए, हम बातचीत करते हैं इबादत के लिए, हम कौन सा काम करते हैं जिसमें हमारी नीयत ये होती है कि ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, ये काम मैं अल्लाह के हुक्म पर कर रहा हूँ, ये काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहा हूँ, ये काम मैं कुरान हदीस के मुताबिक कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरा रब, मुझसे मेरा रब राजी हो और मैं ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाऊँ और अल्लाह ताला हमें बेहिसाब माफ़ करके जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। Let's assess ourselves and see how many things we do for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. Right from the beginning to the evening, from evening to the morning, we spend day, we spend night. How many things we really do with the intention and we are mindful that we are doing this to please Almighty Allah Azza wa Jal. Even ke hamare paas ibadat ki soch hi nahi hai, badkismati ye hai hamari, हमारे पास इबादत की सोच ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इबादत की सोच बनाएं कि हम दुनिया के किसी कोने में भी रहें मीठे इस्लामी भाई हो, चाहे आप कोरिया में रहें, हांगकांग में रहें, अफ्रीका में रहें, साउथ अफ्रीका में रहें, आप कैप्टन में इस वक्त रह रहे हैं, जहाँ भी आप दुनिया में रहें, देखिए हम कहीं भी रहें ना, हम हैं मुसलमान। मुसलमान की ज़िंदगी का अंदाज कैसे होना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स कुरान में मौजूद हैं। हमारे प्रिंसिपल्स हमारे मुल्क के मुताबिक तब्दील नहीं होते, कुरान के बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं, जो हम दुनिया में कहीं भी रहें हमें उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, एक नॉर्मल सा सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़ है, इबादत के मुताबिक अंदाज़। अब हम कहें मैं कैप्टन में रहता हूँ मैं नहीं कर सकता, तो कहेगा कि मैं अरब दुनिया में रहता हूँ मैं नहीं कर सकता, वो कहता है मैं बैंकॉक में रहता हूँ मैं नहीं कर सकता, वो कहता है मैं अमेरिका में रहता हूँ मैं नहीं कर सकता। हम क्यों नहीं कर सकते?
हमारा माइंड आखिर मुल्क के मुताबिक तब्दील क्यों हो जाता है? हम मुसलमान, हम दुनिया में कहीं भी जाएं मुसलमान हैं, तो हमारा अंदाज उस मुल्क के मुताबिक क्यों तब्दील हो जाता है? एज ए मुस्लिम हम अपनी ज़िंदगी गुजारते क्यों नहीं हैं? हम अपना अंदाज क्यों मुल्क के मुताबिक, हालात के मुताबिक तब्दील करके अपने आप को हालात के सिकुड़ करके हथियार डाल देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं? ठीक है जनाब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जैसा बोलो वैसा करूंगा। बीवी बेपर्दा का निकालनी है, ठीक है मेरी बीवी बेपर्दा निकलेगी बस। अच्छा नाजायज़ काम करना है, ठीक है मैं नाजायज़ काम करने के लिए तैयार हूँ बस। अच्छा ठीक है कुछ नहीं इल्म हासिल करना, जाहिल रहना है, मैं जाहिल रहता हूँ बस। नमाज़ नहीं पढ़नी, ठीक है मैं यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ता बस। अच्छा दाढ़ी मुंडाना या फैशन है तरीकेकार है, ठीक है भाई मैं दाढ़ी भी मुंडाऊंगा बस। या जो भी है, अच्छा शराबी भी नहीं पड़ती है, चलो थोड़ी बहुत शराबी पी लूंगा। जुआ भी खेलना पड़ता, चलो जुआ भी खेलूंगा। अच्छा बीवी और बेटियां लेकर एक दूसरे के साथ उठना बैठना पड़ता है, एक दूसरे के साथ जैसे मिलना जुलना पड़ता है, यहाँ मतलब पर्दा नहीं है, यहाँ ऐसा ही रहना पड़ता है। हाँ यहाँ ऐसे राचा में ठीक है मैं ऐसा ही रहूंगा बस। मुझे इस मुल्क में रहना है, जो गुनाह बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, जैसी जिंदगी उल्टी गुजारने का बोलो मैं गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ रहना है, मैंने कहीं और नहीं जाना। ठीक है मैं मुसलमान हूँ, एहकामात में मानता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी लाता हूँ, मगर अब क्या करूं जना, पैसा कमाना है, मुल्क में रहना है, तो ऐसा ही रहना पड़ेगा। मैं जैसा तुम बोलोगे ना वैसा जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं। क्या हमने ये माइंड बना लिया? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेज दैट व्हेन यू सी द मॉर्निंग प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इवनिंग, व्हेन यू आर हेल्थी प्रिपेयर योरसेल्फ for the sickness and for the death. These sayings are bringing very close to the reality of our lives. Dearest Islamic brothers, we are Muslims and we have to follow Islam. It doesn't matter where we live, whether we live in South Africa, in Cape Town, or in any part of the world. We have our system, we have our rules and regulations. There's no such thing that we have different rules in Africa or in America or in Arabia or in Pakistan, and we have different rules in some other parts of the world. We follow one Quran and we follow the teachings of one Nabi sallallahu alaihi wasallam. So therefore, wherever we are, we have to follow the beautiful teachings of our deen. Ek baat hamesha apne dil mein bitha le, ye duniya ki jo mohabbat hai na, ये तमाम गुनाहों की असल है, बुनियाद ही यही है, बेसिक ही यही है कि बस ये छूटती नहीं है। और यही वजह है कि हम कभी इस तरह के बयानात में आते हैं तो सुनते हैं, सर भी हिलते हैं। मेरा तो बारह तजर्बा है, जब भी इस तरह मैंने बयानात किए हैं तो ये जितने भी लोग इस्लामी भाई सुनते हैं, बैठते हैं, ये सर हिलाते हैं। आप भी सर हिला रहे हो, बात तो सही है, बात तो सही है। आप क्यों भी सर हिल रहे? मैं भी देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, आप एडमिट करते चले जा रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं कि बात सही कर रहा है यार, लगता मैं ऐसे हो गए, बात सही कर रहा है, लगता मैं ऐसे हो गए। लेकिन इसका एक अगला जो स्टेप है, क्या वह ठीक है, ये सही बोल रहा है, मैं गलत ही कर रहा हूँ? अब इसका जो अगला स्टेप है, क्या मैं चेंज तो हो जाऊं? सिर्फ मिस्टेक को एडमिट कर लेना, क्या ये एंड है कि मिस्टेक्स को रिमूव करना, ये प्रॉपर वे क्या है कि सिर्फ मिस्टेक्स एडमिट कर ली जाए या अपनी गलती को रिमूव किया जाए, अपनी गलती को दूर किया जाए? वे क्या है, बेस्ट वे क्या है, तरीकेकार क्या होना चाहिए, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो उर्दू शांत है वो तो जवाब दे दे, फिर इंग्लिश में पूछेंगे। The love of dunya, this world, is the root of every evil. His Eminence has said that the topic that I am discussing with you, normally when he discusses this type of topic, he sees in audience that a lot of people nodding their heads. That means they are acknowledging that what you are saying is right. But the question is, should it end here because what he is saying is right, or should we move forward and bring change? The way forward is not about appreciating the talk and saying, no, what you said is right. The way forward is to reform
and to change yourself and make a declaration that from today I'm changing my life. Koi jawab? So what is the answer? Are we just merely gonna hear the traditional way of, you know, talk and just go? Or we gonna make a commitment today to say that I'm reforming and changing my lifestyle? Humko yahan bahut badi quantity mein log nahi hai, main janta hu, theek hai, lekin jitne hai na, kya hum apne aap ko change nahi kar sakte? Although I can see that people are not in large quantity here in this gathering, but the few that are here, can't we make a commitment and say that I'm a Muslim and I am going to follow the Islamic lifestyle? Ab bologe kya change kare, kya change kare? Abhi to masjid mein to baithe hue, ab kya change karenge? Aate ho gaye idhar yaar, to change mein aap khud apne aap ko dekhe na, aaine ke samne khade ho jaye to lagega ki kya change kare. आईने के सामने खड़े होकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तसव्वुर करें, फिर देखें क्या चेंज करें. अपने घर के माहौल को देखें, फिर कहें कि हम क्या चेंज करें. अपने बच्चों को एक बार देखें, फिर कहें कि क्या चेंज करें. अपने घर की इस्लामी बहनों को देखें, फिर आप कहिए कि हम क्या चेंज करें. अपने खाने पीने के अंदाज को देखें, फिर कहिए कि हम क्या चेंज करें. अपने कारोबार के अंदाज को देखें, फिर आप कहेंगे कि हम क्या चेंज करें. अपनी ज़िंदगी का जो अंदाज़ है गुजारने का, वो देखें, फिर आप कहिए हम क्या चेंज करें. हमें कहा जाएगा जनाब एक दिन के लिए कोई मतलब के नेकी के काम के लिए आप थोड़ा अपना काम का छोड़ दो. हमसे एक दिन के लिए अपना काम नहीं छोड़ा जाता. हमें तीन दिन के मदनी काफ़िले के कहा जाए, हमसे तीन दिन के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र नहीं किया जाता. हमसे एक लम्हे के लिए भी ये सारी चीज़ें छूटती नहीं हैं. एतकाफ़ के लिए मैं ज़हन देना चाह रहा हूँ आपको कि हम एतकाफ़ करें. शाबान और मुअज़्ज़म का महीना आ रहा है, हम अपने आप को समेटें और समेट कर हम जो जो देना है दे दें, जो जो लेना है ले लें, और अपने आप को ये माइंड बनाएं कि मैंने इस बार माह रमज़ान में एतिकाफ करना है. यू मे क्वेश्चन दैट व्हाट मस्ट वी चेंज. वी आर सिटिंग इन द मस्जिद, वी आर पार्ट टेकिंग इन दिस गैदरिंग, व्हाट इज देयर फॉर अस टू चेंज? So His Eminence has said that let's stand in front of the mirror and look at our lifestyle and question ourselves. Am I looking and imitating my beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, or do I imitate the Westerners who don't believe in my Nabi sallallahu alaihi wasallam? How do I look? We need to see the lifestyle of our children, their upbringing, our Islamic sisters at home. We need to see our businesses. Are we running our businesses according to the Sharia way, or we have our own styles? There are so many areas needs to be attended. We need to look at it and reform. सबसे बुनियादी चीज़ आप ये गौर करें. हम कह रहे हैं हम क्या करें. सबसे बुनियादी चीज़ है इल्मे दीन सीखना. सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? इल्मे दीन सीखना, बेसिक इस्लामिक एजुकेशन. क्या वो हमारे पास है? क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहन है किसी के पास भी प्रॉपरली कोई इस्लामिक एजुकेशन का निज़ाम? हम सीखने का जहन ही नहीं है. कोई सिखाएगा कहाँ से सिखाएगा? हम कभी सीखने के लिए गए नहीं हैं. हमें गुसल करना प्रॉपर आता नहीं है. हमें नमाज पढ़नी प्रॉपर आती नहीं है. हमें कुरान की तिलावत करना आता नहीं है. हमें गुसल दुरुस्त करना आता नहीं है. इस्लामी बहनों को अपनी पाकीजी और तहारत लेना प्रॉपर आता नहीं है. हमें अपने बच्चों की प्रॉपर तरबियत करने का सलीका नहीं है. हमें आता क्या पहले ये बताइए. हम कहते हैं कि हम क्या चेंज करें. मैं कहता हूँ वो कौन सा शोबा है जिसमें चेंज करने की हमको हाजत नहीं है. हर जगह पर हम प्रॉब्लम में, हर जगह पर हम कमज़ोर हैं, हर जगह पर हमें मारा जा रहा है, हर जगह पर हम मार खा रहे हैं. हमें आता क्या है? हमें कुछ भी तो नहीं आता. हमें कुछ भी नहीं आता. हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता है कि हमें पैसा कमाना है. हमें और कुछ इतना ख़ास आता
नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जहां सबसे बुनियादी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वो इल्मे दीन, मैं इंशाल्लाह इसकी वजाहत करता हूं, थोड़ा इसका ट्रांसलेशन सुन ले। वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन चेंज इज दैट वी मस्ट स्टार्ट लर्निंग द नॉलेज ऑफ दीन। वी मेनी ऑफ अस डोंट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ दीन। We don't even know how to make wuzu properly, how to make ghusl properly, how to perform our salat properly. Many of our Islamic sisters don't know the details of purity and impurity because it relates to them. And there are so many areas that we can improve ourselves. So don't fool yourself by thinking that I know a lot and I don't need to learn anymore and I don't need to reform or change in anything. No, there are too many areas in which we need to have the knowledge of deen and improve ourselves. Ab sabse bunyadi baat dekh liye, namaz le le, theek hai? Sabse basic cheez kya hai? Namaz. Ab namaz mein kitne farz hain, Mufti sahab? The basic thing is salat. And now the question is how many faraid or the obligatory acts are in the salat? Koi humse puche to shayad hum proper jawab na de sake. 5, 4, 6 honge, 6 nahi ho sakta, ek bhi farz na ho. Hum confused hain ke namaz mein bhi farz honge, to namaz mein farz kitne ye humko proper pata nahi hai. वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं ये हमको पता नहीं है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं ये हमको पता नहीं है, हमें ये सारी बातें नहीं पता। रमज़ान और मुबारक के रोज़े रखने और बंद करने, किन किन वजहों से रोज़ा टूट जाता है, किन किन वजहों से रोज़ा नहीं टूटता और हम गलती से समझें कि रोज़ा टूट गया और हम मतलब के खाते पीते रहते हैं, रोज़े रखने और ना रखने के हवाले से, रोज़े टूटने और ना टूटने के हवाले से हमारे पास इल्म नहीं होता। हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, ज़कात कैसे देनी है, किसको देनी है, कितनी देनी है, कैलकुलेशन क्या करनी है, फ़कीर को कैसे ढूंढना है, फ़कीर शरई को उसको पेमेंट करने के हवाले से, किन किन चीज़ों से ज़कात निकालनी है, किन किन चीज़ों से नहीं निकालनी, इसका पूरा एक मेथड है, हमें उसका मेथड पता नहीं है। बाप दादाओं ने जो अकाउंट बनाकर दिया हमने उसी में प्लस माइनस किया और आगे ज़कात दे दी, ज़कात पूरी अदा हुई नहीं अदा हुई इसका हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता। इवन कि जब हज को जाते हैं, आप अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जब आप हज जाकर करेंगे आप वहाँ हज पर देख लीजिएगा, अगर आपने वाकई दुरुस्त सीखा है कि हज कैसे किया जाता है, तो आप देखेंगे कि लाखों मुसलमानों को दुरुस्त हज तवाफ उमरा करना नहीं आता, लाखों मुसलमानों को हो सकता है कि उसमें यहाँ भी बैठे हुए हों, अगर उनको कहा जाए जनाब हज करके आ जाओ, या वो हज कर भी आ गए हों, अब उनसे चार बार हज की पूछी जाएंगे तो बेचारा बगले झाकेगा कि ये भी कोई हज होता है, मैं तो यूं हज कर आया हूँ। तो अब मैंने सिर्फ ऊपर से बात की, ठीक है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, सिर्फ ये चार डिपार्टमेंट की अगर मैं आपके सामने लेकर, फ़र्ज और जो बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, वाजिबात जो होती हैं, फ़राइज़ जो होते हैं, सिर्फ आपके सामने मैं वही रख दूँ ना, आप यकीन मानिए आप में से बहुत बड़ी तादाद, मे बी 90-95% वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं होगी। मैं आपसे पूछता नहीं हूँ क्या बताइए, और यही असल तरीका है कि हम किसी से पूछेंगे नहीं क्या बताओ, आप बताओ, आप बताओ, बताओ, भले आपकी उम्र 70 साल की हो, 80 साल की हो, 60 साल की हो या 40 साल की हो, आप पैसे वाले हैं या गरीब हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि एक मुसलमान को जितना इल्म आना चाहिए उतना इल्म आज एक मुसलमान के पास नहीं है, ना इस्लामी भाई के पास है, ना इस्लामी बहन के पास है। अब आप बताइए, बेसिक बता रहा हूँ, इल्म बेसिक, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमतीन, मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का फ़र्ज, इल्म का तलब करना, इल्म का हासिल करना ये फ़र्ज़ है। और जो मैंने फ़राइद और वाजिबात के इल्म आपके सामने सिर्फ इबादत के सीनियर में रखा, मुफ्ती साहब फिर समरी कर दीजिएगा, मैंने सिर्फ इबादत के सीनियर में रखा है। अब अगर इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं गीबत की तरफ आता हूँ।
इससे आगे बढ़ता हूं तो मैं चुगली की तरफ आता हूं, इससे आगे बढ़ता हूं तो मैं झूठ की तरफ आता हूं, इससे आगे बढ़ता हूं तो मैं धोखे की तरफ आता हूं, इसके आगे बढ़ता हूं तो आपका निकाह हो गया तो मैं निकाह की तरफ आता हूं, आपको निकाह का इल्म कितना है, इसके आगे बढ़ता हूं तो आपको तलाक का इल्म कितना है, इसके आगे बढ़ता हूं तो आप जो कारोबार करता वो कारोबार का इल्म कितना है, आप जॉब करता वो जॉब का इल्म कितना है। आपके सामने मैं कुरान खोल के रख देता हूं, आप कुरान खुले हुए कुरान से कुरान पढ़ के तो बता दो, आपको खुले हुए कुरान से कुरान पढ़ने नहीं आता, हम कहें कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल गरीब लोग हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जिस कौम को कुरान ही पढ़ने नहीं आया, जिस कौम को अपनी नमाज पढ़ने नहीं आई, जिस कौम को अपनी बेसिक इबादतें करने का तरीका ही नहीं पता, इबादत ना करना एक अलग मैटर है ना कि भाई मैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता हूं, अरे नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता एक अलग मैटर है, तुम्हें नमाज पढ़ने कौन सी आती है, तुम्हें मस्जिद में आना कौन सा आता है, अरे कुछ भी तो नहीं आता। इबादत के अंदर रहकर बात कर रहा हूं, इबादत के अंदर पहले मैं सवाल कर चुका हूं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इबादत हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, आप कहिए हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, वर्शिप, इबादत ये हमारी जिंदगी का मकसद है। अब इबादत हमारी जिंदगी का मकसद हो तो इबादत का तरीका है ना, आप कारोबार करने जाते हैं क्या बिगैर तरीके के कारोबार करते हैं, कारोबार का भी तरीका है ना, इबादत का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर की चीज नहीं आती। अब आप आए मस्जिद में आए ना, मस्जिद तो ये अल्लाह का घर है, इबादत का घर है, यहाँ इबादत की जाती है, मैं कहता हूँ वहां मुंह करके नमाज पढ़ो उस तरफ, आप पढ़ेंगे क्यों, उधर मुंह करके नमाज पढ़े ना, आपको अल्लाह की नमाज पढ़नी है ना, और मस्जिद में खड़े हुए ना, तो उधर मुंह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, अच्छा ठीक है इधर मुंह करके नमाज पढ़ो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे इधर मुंह करके नमाज, आप बोलोगे ये तरीका नहीं है, आप क्या कहेंगे ये नमाज पढ़ने का, तो भाई नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज का तरीका ये है कि नमाज में मुंह किबले की तरफ होना चाहिए, आप क्या कहेंगे नमाज में मुंह कहाँ होना चाहिए, किबले की तरफ होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि नमाज पढ़ने का एक ही तरीका है, तो आपको पता है ना कि नमाज पढ़ने का एक तरीका है कि मुंह किबले की तरफ होना चाहिए, मैं कहता हूं इसके साथ नमाज पढ़ने के और 20 तरीके मौजूद हैं जो 19 हमको पता नहीं, हम एक ही तरीका पता है कि किबले की तरफ मुंह करो, बकिया जो 19 पर अमल नहीं करेंगे और नमाज नहीं भी उसका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आप 19 तरीके पर अमल कर रहे हैं मगर उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज होगी, 19 के 19 प्रॉपर तरीके पर आप अमल कर रहे हो मगर आप उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, क्या नमाज होगी, नहीं होगी ना, तो हो सकता है कि आप किबले की तरफ मुंह करके नमाज तो पढ़ रहे हैं बकिया 19 तरीके पूरे नहीं कर रहे, तो क्या नमाज होगी, ये एक एग्जाम्पल दिया, 19-20 में मैं नहीं हूं ना, 19 ना 20 कुछ भी नहीं, इसकी क्वांटिटी अलग है, इसका फिगर अलग है, मगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के तौर पर मैं आपको एक बात बयान कर रहा हूं कि हमारे पास इतनी बेसिक इबादत है नमाज उसका इल्म नहीं है, बाकी और सारी इबादतें अलग हैं, हराम और गुनाह से बचने के मामला अलग हैं, ये सब कब सीखेंगे ये बताइए। इफ आई क्वेश्चन इन द गैदरिंग हाउ मेनी फर्ज आर इन द सलात एंड सम माइट विल से 4, सम माइट विल से 5, सम माइट विल से 6, सो पीपल वुड टेक चांसेस एंड दे वुड नॉट नो exactly, and exactly same is the condition in fasting. Many people don't know the masail of fastings, what breaks the fast, what doesn't break the fast. If we go for Hajj and we see that hundreds of thousands of people do so many things incorrectly, the wrong way, all that is an evidence that people don't learn the knowledge of Islam, the basic knowledge of Deen. On the matters of Zakat, most of the Muslims these days don't know the masail, the rules of Zakat. Many people pay Zakat with guess. They don't know how to do proper calculation or upon which the Zakat is necessary and upon which the Zakat is not necessary. We know how to make business, we know how to make investments, we know how to increase our wealth, but we lack in basic Islamic education.
These were the just common apparent practices that I've spoken. There are many other issues like ghibat, like backbiting, carrying tales, lying, jealousy, which are unseen inner diseases. We need to have the knowledge about them as well, so how we can refrain being engaged on those things. So that if the purpose of our life, as we have understood, is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, then we have to learn how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We need to have the knowledge of that. And the knowledge would not come automatically. You have to engage yourself to attain the knowledge, then you will receive the knowledge. तो नमाज सीखने की नियत करें ना कि मैं नमाज सीखूं. Yes, so we need to make our mind that I would learn how to perform salat properly. नमाज सीखनी है, सीखेंगे नमाज. Would you prepare yourself to learn salat? कब सीखेंगे? So when would you learn? अभी सीखेंगे. अच्छा जज्बा है, अभी सीखेंगे. कल मर गया तो, रात मर गया तो अच्छा है कि मैं अभी सीख लूं, है या नहीं है? अगर कोई आपको कहे कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, रातों रात अमीर हो जाओगे, बताऊं कब बताऊं, तो आप बोलोगे भैया नोको पहले बताओ प्रपोजल क्या है, हमको पैसा चाहिए, है या नहीं है? वो जो चीज़ से मोहब्बत है तो वो चीज़ ज़्यादा जल्दी इख्तियार करने का जी चाहता है, यार अभी मिल जाए यार, मौलाना भूल जाएगा तो प्रपोजल. तो यूं नमाज का तरीका इन्होंने कहा अभी सीखना है. तो ये इनकी अच्छी सोच हुई ना, यार कल मर गए तो चलो अच्छा नमाज सीख कर ही मरे यार. अगर कल मरना है, अभी मरना है, मौत तो कभी भी आ जाएगी ना, तो क्या हम इस तरह मर जाएंगे हमको नमाज तक पढ़ने ना आई? His Eminence asked, when should we learn how to perform Salat? And some brothers said, yes, now. And he appreciated that and he said that's a very good answer and it's a good positive response. If we don't know something, we must learn it immediately as soon as the opportunity comes and knocks, because we might not live tomorrow. If I tell you that I got a recipe how to make money, how you can become rich very quickly, and if I tell you, should I tell you now or later? So many of you will say, no, tell us now. You might disappear tomorrow and we might not know what is the recipe how to make quick money. So it's our love for wealth, so we don't want that to be delayed. So why should we delay the process of learning how to perform salat if we have love for the worship of Almighty Allah Azza wa Jal? Wo kya baat hai, namaz seekhne namaz abhi seekhni hai. Mere paas bayan bahut hai, lekin main soch raha hu ki kyun na kuch seekh kar jaye hum jab aaye hain to. Theek hai, to chale namaz seekhte hain. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریاں